हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये कल है जो कि वैकेंसी जारी हो गई थी और उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था, तो इसके शॉर्टकट्स कुछ हैं जो लोग नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं। तो क्या ये ग्रुप बी का पोस्ट है, 550 पद है जो कि, और ये 7 मार्च तक ऑनलाइन होगा। 189 पद महिलाओं के लिए है। 30 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। 1200 रुपये आपको फीस लगेगा और समान BC, BC, EWS अभ्यर्थियों को 1200, SC ST को जो कि 600 रुपया देना पड़ेगा। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त जो कि स्नातक होना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना, लेकिन कम से कम 6 महीना का जरूर होना चाहिए। 18 से 37 वर्ष है जो कि निर्धारित है। आवेदन में किसी तरह की परेशानी होने पर है जो कि ये दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर है जो कि दिया हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। और ये टोटल जो पद हैं ये आप देख सकते हैं, 238 पद है जो कि आपको सामान्य के लिए, SC के लिए 88, ST के लिए 5, BC के लिए 99, BC के लिए 66, इसमें 550 में 4 चरणों में परीक्षा होगी। PT होगी, मेंस होगा, उसके बाद कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगी, उसके बाद है जो कि आपको इंटरव्यू 10 मार्च से हो गए। और ये दिस अपलोड कर दिया गया, 100 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हिंदी में रहेंगे अंग्रेजी में रहेंगे, तो अंग्रेजी में रहेंगे। क्या परीक्षा ऑफलाइन होगी? ऑनलाइन अब तक है जो कि ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। तो ये जो है आपको ये आप देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो ये फॉर्म है जो कि खासकर जो नौकरी करना चाहते हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, जिनको कहीं जॉब, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जॉब, इतने क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। एक है, एक सब्जेक्टिव है वहाँ पर, मेंस में है वो। और फाइनली अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है ये, तो इंग्लिश जिनकी अच्छी, अगर अच्छी नहीं है और सुधार सकते तो उनकी रिजल्ट ही संभावना है इसमें ज़्यादा, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का वेटेज जो है वो कम है। मतलब इंग्लिश और हिंदी भी रहना चाहिए साथ में, मतलब मुख्य जो है, अगर हिंदी और एक्स्ट्रा क्या है जो अन्य कम BSC CGL हो या UPSC, अंतर क्या है कि आपको इंग्लिश और हिंदी ये जो दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली क्या होता है कि हिंदी जो रहती है वो क्वालिफाइंग होती है BSC या BPSC असिस्टेंट में, लेकिन यहाँ पर जो है आपको मेरिट में है और रिटेन भी टेस्ट है, इसीलिए जो कि सिलेक्शन उन्हीं का होना, या तो जिनकी इंग्लिश और हिंदी है दोनों अच्छी है या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर मुश्किल है इसमें रिजल्ट होना। तो ये है, उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। पूर्व मध्य रेलवे में 30,000 समेत देश भर में 3 लाख रिक्त पद है। किस RRB से मांगी गई है रिक्त पदों की जानकारी? तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है 2019 के बाद कोई बड़ी नियुक्ति नहीं निकाला है। देश भर में 2,98,000, यह जानकारी संसद प्रमोद तिवारी के प्रश्नों का, 2,98,973 पद खाली हैं। और ये 2019 में ग्रुप डी के 1,03,000 के अलावा पारा मेडिकल और स्नातक NTPC में 1,39,000 रिक्तियां निकाली गई थी। इन्हीं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल इस वर्ष निकलेगी बहाली। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक है कि सारे रिक्तियां मांगे, उम्मीद है कि वर्ष 2023 के 1.5 लाख से 2 लाख रिक्त पदों की बहाली निकलेगी। इसमें ग्रुप डी और सी से जुड़े पद ज़्यादा हैं, इनकी तैयारी चल रही है। वहीं ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्तियों को भी भरा जाए, इन पदों को UPSC के माध्यम से भरा। ग्रुप ए में 2020 के बाद बड़ी रिक्तियाँ नहीं निकाली गई है। पूर्व जोन में 45,000 रिक्तियाँ, तो कहाँ कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं ये आप देख सकते हैं डिटेल। मध्य में है जो कि आपको क्षेत्र जो है आपको 28,606 है। उसी तरह जो रेलवे जोन के आधार पर है जो कि आपको टोटल है जो कि 2,98,000। और 21 RRB में आवेदन करते हैं, क्योंकि बिहार के छात्र ज़्यादा करते हैं सरकारी नौकरी के प्रति, खासकर रेलवे के प्रति रुझान ज़्यादा होता है। RRB ग्रुप डी NTPC बदलाव को लेकर बिहार के छात्रों ने ये सब हुआ था, इसके बाद संशोधन भी किया गया था। अभी इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं 20 फरवरी को रेलवे में नियुक्ति निकाले जाने की चर्चाएं भी हुई थी। तो मतलब ये जो है आपको बिहार के अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि आपने देखा होगा जिनका अगर कहीं किसी कारण बस सिलेक्शन नहीं होता है तो ग्रुप डी एक, क्योंकि बड़ी संख्या में वैकेंसी रहती है और GS की तैयारी करते हैं, GS मैथ और रीडिंग जो है ये बिहार के अभ्यर्थियों को ऐसे भी बहुत अच्छा रहता है। उसके कारण क्या होता है कि सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है जो कि होता है, और कम से कम बेरोजगारी है जो कि दूर हो जाती है। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग जाने के बाद असंतुष्ट हो जाते हैं, फिर से तैयारी करते हैं और फिर ऊंचे पद पर जाते हैं। तो ये जो है आपको
मतलब इस मध्य में जो कि जून तक है, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी 1.5 से 2 लाख रेलवे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की हो, NTPC की हो, क्लर्क की हो, आपकी TC की हो, TT की हो, ये सब कोई निकल सकती है। उसके बाद है जो कि डाकघर में बनेंगे जाति आवासीय प्रमाण पत्र। तो प्रदेश के 3773 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा मिलेगी, इसलिए इसके डाक विभाग व CS के बीच करार हुआ है। इसके तहत जो कि डाकघरों के एक विशेष ID जारी की, इसके माध्यम में डाकघरों में भी CSC से मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध, अब डाकघरों में भी बिहार सरकार की प्रमुख जाति आवासीय पत्र बना सकेंगे। और ये अच्छी पहल है कि पहले क्या होता था कि जाते थे लोग अंचलों में जाते थे, तो अब जो है आपको डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा। दो हजार 2023 में बिहार के युवाओं का 4.5 लाख नौकरियां मिलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री का। 3 लाख रोजगार शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 रही, तो ये बहाली है कि चर्चाएं में है। जेई मेंस का फाइनल आंसर की है जो कि जारी हो गया है, सही उत्तर मिलान कर सकेंगे स्टूडेंट। जेई मेंस अप्रैल 17 के आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है, 7 मार्च तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और टोटल जो 10 प्रश्नों को है जो कि इसमें हटाया गया है। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के गैर शिक्षकों के 58,000 पद है जो कि खाली है, और ये जो है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने है कि कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 12,099 गैर शिक्षक है, जो कि 1,312 मतलब शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 3271 शिक्षक हैं, 1756 गैर शिक्षक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6,180 पद हैं और यहाँ गैर शिक्षक 15,798। IIT में जो कि 4,400 शिक्षक, गैर शिक्षक 5,052। NIT वन में 2,089 और गैर शिक्षक के तो इतने पद हैं जो कि खाली। आंकड़े लाख में हैं, कितना 2022 में 7.5 लाख था, तो अभी जो है आपको कितने 58,000 से ज़्यादा पद है जो कि अभी भी है जो कि ये खाली है केंद्रीय शिक्षण संस्थान नवोदय विद्यालय में, ये सब जो है अभी भी खाली है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।